नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पारिवारिक कलह से तंग आकर एसटीओ ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, जांच में जुटी पुलिस। सिल्क के व्यवसायी हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। दो चरणों में होने वाले बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी, 106 लोगों ने भागलपुर नगर निगम के लिए कटाया एनआर। कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का कपड़ा जलकर हुआ राख। और जितिया पर्व को लेकर सब्जियों के भाव में बेतहाशा वृद्धि। अब खबरें विस्तार से। पारिवारिक कलह से तंग आकर लखीसराय में पदस्थापित सहायक अभियंता ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक अभियंता की पहचान गया निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है, जो लखीसराय बिजली विभाग एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह लोगों ने रवि कुमार को फंदे से झूलता देख मामले की सूचना लखीसराय पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना के हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं रवि कुमार के सहकर्मियों ने बताया कि वह पारिवारिक कलह को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केवी लाल रोड में बुधवार की रात सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफसाल की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसको लेकर आक्रोशित सिल्क कारोबारी और परिजनों के साथ आम लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भागलपुर नाथनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे पूर्व लोगों ने पुलिस को अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी को लेकर मेमोरेंडम दिया, लेकिन बाद में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के सभी दावे पर सवाल भी खड़े किए। लोगों में आक्रोश है, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह हत्यारा पकड़ाया जाए और कानून का विकल्प किए में वो फंसे और उसकी जो सजा होती है फांसी उसको मिले, यही मानता है लोगों का। इंसाफ चाहिए, थाना पारिवारी कहते हैं आप लोग एकदम, इसके लिए हम लोग जितना दिन लग जाए इसके लिए हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दिया जाए। 48 दिन का हो गया, अभी तक कोई भी कदम सुराग नहीं मिला, किसने क्या किया है। पुलिस का रवैया ऐसे बहुत अमीर नजर आ रहा है, पुलिस कुछ सही से बता नहीं रही है। इंसान बिहार में दो चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम चुनाव और हाबीपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए नाजिर रशीद कटाने की शुरुआत हो गई। नगर निगम चुनाव के लिए अपर समाहर्ता कार्यालय में नामांकन केंद्र बनाया गया है, जहाँ पहले दिन शुक्रवार को मुख्य पार्षद पद के लिए 4 और उप मुख्य पार्षद के लिए एक एनआर समेत सभी 51 वार्डों से कुल 106 संभावित उम्मीदवारों ने एनआर कटाया। वहीं नगर पंचायत हाबीपुर के लिए डीसीएलआर कार्यालय में नामांकन केंद्र बनाया गया है। शुक्रवार को डीसीएलआर कार्यालय में मुख्य पार्षद पद के लिए 2, उप मुख्य पार्षद के लिए 4 और पार्षद पद के लिए 16 लोगों ने नाजिर रसीद कटाया, जबकि नगर निगम और हाबीपुर नगर पंचायत के लिए बनाए गए नामांकन केंद्र पर पहले दिन किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया। इधर पहले चरण के नगर निकाय चुनाव को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन के 7वें दिन 13 लोगों ने एनआर कटाया, जबकि शुक्रवार को काफी संख्या में उमड़ी भीड़ के बीच कई लोगों ने नामांकन पर्चा भी दाखिल किया। इसके अलावा नगर पंचायत अकबर नगर के लिए सदर एसटीओ कार्यालय परिसर स्थित बनाए गए नामांकन केंद्र अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी एनआर कटाने के साथ नामांकन को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही, जहां शुक्रवार को 7 लोगों ने एनआर कटाया, जबकि कई पुरुष और महिला प्रत्याशियों ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भी भरा।
बता दें कि एडीएम कार्यालय परिसर में 1 से वार्ड नंबर 25 और 26 से वार्ड संख्या 51 तक के लिए 2 काउंटर बनाया गया है, जबकि नामांकन के लिए 5 काउंटर बनाया गया है। एक और जहां नगर निगम चुनाव में 51 वार्ड के लिए पहले दिन ही एनआर कटाने वालों की भीड़ जुटी रही, वहीं पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन के लिए 3 दिन का समय शेष रह गया है, जिसके कारण नामांकन कराने वालों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ भी समाहरणालय परिसर में दिखाई दी। बेगूसराय में रेडीमेड एम्पोरियम की दुकान में आग लगने से करीब 50 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि तब तक दुकान में रखा लाखों का कपड़ा जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के हीरालाल चौक के समीप रात के 12 बजे के करीब कपड़ा की बंद दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं इसको लेकर पीड़ित व्यवसायी बेगूसराय चट्टी रोड निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता का कहना है कि उसकी कपड़े की दुकान हीरालाल चौक मेन रोड में स्थित है और दुर्गा पूजा को लेकर करीब 50 लाख रुपए का रेडीमेड कपड़ा और जींस शर्ट समेत काफी माल मंगवाया था, लेकिन इस आग लगी की घटना में सब कुछ जल कर राख हो गया। मामला सर कुछ नहीं, हम दुकान बंद करके गए आधा एक घंटा के बाद। एक बिरयानी वाला है, कलकत्ता बिरयानी वाला, वो आए हमारे दरवाजा पर, घर पर, बोले क्या कि भैया खूब धक्का दिए। हम सोचे ऊपर से देखें, लेकिन इतना हल्ला करने लगा, हम डायरेक्ट गेट खोलें तो बोला कि भैया दुकान में घटना घट गया है। स्पष्ट तो नहीं बोल पाए, लेकिन बोले कि चलिए आप चलिए जल्दी चाह भी लीजिए। तो हम चाह भी लिए और मोटरसाइकिल से बेचारा लेकर आए। तब तक यहाँ कुछ आदमी आए थे, तो हम आए तो दमकल वाला आए, लेकिन फिर हमको उधर जाने नहीं दिए। सब आदमी अभी तक बोल रहे हैं कि सब आपका सामान ठीक है, लेकिन उसमें माल भरा हुआ था हमारा। जीतिया पर्व में कई सब्जियों के महत्व को देखते हुए पर्व नज़दीक आते ही बाजारों में कई तरह की सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, जबकि जीतिया पर्व में अमीर हो गरीब हो सभी लोग अलग अलग तरह की हरी सब्जी खरीद कर पूजा के लिए इसे घरों में बनाते हैं। बता दें कि जीतिया पर्व में झिंगली और इसके पत्ते का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके पत्ते पर ही पूजा करने और सब्जी बनाकर खाने की पुरानी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वहीं इसके कारण भी बाजार में इसकी डिमांड और कीमत बढ़ जाती है। दरअसल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया पर्व मनाया जाता है, जबकि इसके पूर्व सप्तमी तिथि को नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु होने के लिए निर्जला व्रत रखकर डलिया भी भरती है। यह व्रत 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद नवमी तिथि को समाप्त होता है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, घर गोछारी, जिला खगड़िया। मैं किसान हूँ, डायबिटीज पेशेंट 1 साल पहले से था। अंग्रेजी दवाई खा रहे थे बेगूसराय से, 200 और 300 फास्टिंग, 200 और टीपी 300 था। तो भोला जी हमको बताए, मेरा का था वो, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भागलपुर में, एक राय वहाँ से दवाई खाइए, आप ठीक हो जाइएगा, एकदम डायबिटीज संतुष्ट हो जाइएगा, बिल्कुल ठीक। तो हम यहाँ भागलपुर से स्टार्ट किए दवाई खाने के लिए। जब से दवाई खाएं, खान पान को नियंत्रण रखते हुए जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे खाएं, उस दिन से तो डायबिटीज कमते ही चला गया। और 1 महीना से दवाई हम नहीं खाएं, कोई भी दवाई नहीं खाने के बावजूद भी, सब चावल दाल आलू सब्जी खाते हुए भी अभी डायबिटीज मेरा 125 है। अब मैं इस डॉक्टर से संतुष्ट हूँ, और जो डायबिटीज पेशेंट हैं संपर्क कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में दैनिक भास्कर के द्वारा आयोजित बिहार गौरव सम्मान समारोह 2022 में आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को बेस्ट कंसल्टेंसी के रूप में चयनित कर सम्मानित किया गया। बीते दिनों दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में भागलपुर की आर्यन कंसल्टेंसी को बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं इस उपलब्धि को लेकर संस्था के मालिक अमित आर्यन ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से वह संस्था को चला रहे हैं और इस दौरान उन्हें कई तरह की
कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन संस्था में काम करने वाले कर्मियों की मेहनत और शहरवासियों के प्यार के कारण आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई और वे स्वयं अपनी कंसल्टेंसी के लिए पुरस्कार लेने दिल्ली पहुँच गए, जहाँ उन्हें बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ और जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस उपलब्धि के बाद अमित आर्यन ने शहरवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद उन्हें यह फल मिला है और आगे भी वे अपनी टीम के साथ बेहतर प्रयास करते रहेंगे। यह अवार्ड मुझे दिल्ली में मिला था, बिहार के गौरव में सम्मानित हुआ मैं, ठीक है। वहाँ पर अवार्ड मुझे सम्मानित किया गया था सूचना एवं जनसंपर्क व जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के थ्रू, और वहाँ पे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ भी थे, ठीक है। और बिहार के लोगों तो पंकज त्रिपाठी को पहचान ही रहे हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे थे, ठीक है। दोनों मंत्री के द्वारा मुझे बिहार के गौरव में अवार्ड सम्मानित किया गया, जो कि दिल्ली में 12 सितंबर को वहाँ पे हुआ था। कुछ काम से मैं वहाँ पे रुक गया था, इसलिए आप लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। सो आज ही मैं भागलपुर लौटा हूँ। देखिए, आज शहर वाले के ही आशीर्वाद से हमने वहाँ पे जाके अवार्ड लिया, इसलिए शहर वाले के मैं भागलपुर शहरवासियों का तो शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। साथ में दैनिक भास्कर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। देखिए, मैं कंसल्टेंसी चलाता हूँ आर्यन एजुकेशनल एकेडमी के नाम से, ठीक है, और हम लोग 2010 से ही काम कर रहे हैं, तो आज मुझे लगता है 12 साल करीब होने को चला है। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिधि योजना के क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को नासवी भागलपुर की ओर से तिलकामांझी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासवी के कार्यक्रम प्रबंधक श्याम शंकर दीपक ने कहा कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के 57 मार्केट में वेंडर बेंडिंग कर रहे थे, जिसे TVC के द्वारा बेंडिंग जोन घोषित कर बेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगाया गया था, जबकि पूर्व नगर आयुक्त के द्वारा बेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने के लिए टीम का गठन भी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि नगर आयुक्त का तबादला होने के बाद सभी कार्य सिर्फ पेपर पर ही रह गया है, जैसे राष्ट्रीय शहरी मिशन जैसी परियोजना के बावजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर वेंडर्स को रोजगार से वंचित कर दिया गया है। साथ ही कहा कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण और स्वच्छता के नाम पर वेंडर्स से चालान काटा जाता है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट होने के बावजूद अक्सर जिला प्रशासन और नगर निकाय के बीच से समन्वय की कमी होने के कारण फुटपाथ दुकानदार को स्मार्ट सिटी के नाम पर उजाड़ने और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को रोजगार से बेदखल करने का आरोप भी नासवी की ओर से लगाया गया। साथ ही सरकार के समक्ष 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन देने की बात भी कही गई। मौके पर नासवी के नगर प्रबंधक राजीव कुमार, फुटपाथ विक्रेता संघ भागलपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह और अनुप कुमार चौधरी ने भी संबोधित किया। उनमें पथ विक्रेता अधिनियम 2014 को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, इसके लिए दिशा निर्देश भेजा गया है। उस दिशा निर्देश का अविलंब जो है पालन हो, और पालन करते हुए सबसे बड़ी बात है कि इस स्ट्रीट वेंडर के लिए सारे मतलब चीज का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी है, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त हैं, और टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाते हैं। क्या इसमें जो है इनका दिक्कत है नगर आयुक्त को, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि तो यदि टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है तो वेंडर भी अपनी बात को रखते हैं वहाँ पे, और प्रशासन के लोग भी अपनी बात को रखते हैं, तो वहाँ बैठ करके एक टेबल पे जो है सारे समस्याओं का समाधान होता है। भागलपुर IAPM बिहार चैप्टर ACH के साथ एक वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा जगत में प्रत्येक दिन हो रहे नए प्रयोग पर चर्चा की जाएगी, जबकि इसमें डॉक्टरों के द्वारा कई अहम जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम बिहार के दरभंगा, कटिहार, पटना, गया के पावापुरी समेत कई जिलों में आयोजित होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का समागम होगा, जिसमें 150 चिकित्सक एवं बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र उपस्थित रहेंगे। वहीं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैथोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, IAPL बिहार के सचिव डॉक्टर कुमार सुनील और JLLM सेठ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश प्रसाद शाह ने कई जानकारी दी। वे मुख्यतः बिहार के ही छात्र आएंगे, जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज,
पूर्णिया से, किशनगंज मेडिकल कॉलेज से, पटना मेडिकल कॉलेज से, NMCH पटना, गया मेडिकल कॉलेज, पावापुरी से एवं भागलपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र रहेंगे। आज जो अपडेट हुआ है, पिछले दो साल से कोई भी इस तरह का साइंटिफिक प्रोग्राम नहीं हुआ है कोरोना के चलते। जो भी हुआ था ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन ही हो रहा था। इसी क्रम में हम लोग जो सामने सामनी जो आज तक अपडेट हुआ है, और इस सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इसका पूरे का पूरा जितना भी है वो सिर्फ फ्लूट्स एग्जामिनेशन पे है। भागलपुर सनहोला प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय अरार में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय तरंग मेधा उत्सव के दौरान सातवीं कक्षा के छात्र प्रकीर्ण झा ने शुक्रवार को स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सफलता के बाद प्रकीर्ण झा अब 22 से 24 सितंबर तक पटना में होने वाले राज्य स्तरीय तरंग मेधा उत्सव में भाग लेंगे, जबकि उसकी इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह के साथ सभी शिक्षकों ने छात्र को सम्मानित करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रकीर्ण झा की उपलब्धि पर उसके माता पिता और परिजनों ने खुशी व्यक्त किया। मौके पर शिक्षक वरुण उपाध्याय, आलोक पति त्रिपाठी, प्रखंड शिक्षक पवन कुमार, रेखा कुमारी समेत शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पारिवारिक कलह से तंग आकर एसडीओ ने फंदे से झूल कर दी अपनी जान, जांच में जुटी पुलिस। सिल्के व्यवसायी हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। दो चरणों में होने वाले बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी, 106 लोगों ने भागलपुर नगर निगम के लिए कटाया एनआर। कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का कपड़ा जल कर हुआ राख। और जितिया पर्व को लेकर सब्जियों के भाव में बेतहाशा वृद्धि। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।